हेलो दोस्तों, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बीजीय सर्व समीकरण यानी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में इन बीजीय सर्व समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इन्हीं चार सर्व समीकरणों का उपयोग करके कुछ और सर्व समीकरणें प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व समीका एक द्विपद के वर्ग से संबंधित है। उसी का इस्तेमाल करके हम त्रिपद के वर्ग वाली सर्व समीका प्राप्त करेंगे। तो चलिए सर्व समीका एक, जो x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग को एक त्रिपद x धन y धन z के वर्ग पर लागू करते हैं। यहाँ अगर हम x धन y को t मान लें तो इस त्रिपद सर्व समीका को एक बार पुनः द्विपद सर्व समीका के रूप में देखा जा सकता है। आप y धन z या x धन z को भी t मान सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इसे त्रिपद से द्विपद करना है। अब हम सर्व समीका एक का प्रयोग कर सकते हैं और अब t का मान रख दीजिए तो मिलेगा यह x धन y धन z का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2xz। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि त्रिपद के वर्ग में तीन वर्ग और तीन गुणनखंड होते हैं और इसे सर्व समीका पांच कहते हैं। जैसा हमने द्विपद से त्रिपद वाले वर्ग की सर्व समीका का अध्ययन किया, वैसे ही अब हम द्विघाती से त्रिघाती सर्व समीका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्व समीका एक लागू करके x धन y घाते तीन का अविकलन करते हैं। हम x धन y घाते तीन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x धन y गुणे x धन y का वर्ग, जो होगा x गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग धन y गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। अब इसे सरल करने पर मिलेगा x घाते 3 धन 3x का वर्ग y धन 3xy का वर्ग धन y घाते 3। अथवा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x धन y घाते 3 बराबर x घाते 3 धन y घाते 3 धन 3xy गुणे x धन y, और यह हुई सर्व समीका 6। अगली सर्व समीका इसी पर आधारित है। हमें x ऋण y घाते 3 का विस्तार रूप प्राप्त करना है। यह हम सर्व समीका 6 में y की जगह ऋण y रखकर निकाल सकते हैं। और चलिए इसे कहते हैं सर्व समीका 7। और अब बढ़ते हैं इस पाठ की आखिरी सर्व समीका की ओर। कोष्टक में x धन y धन z गुणे कोष्टक में x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण xz। यह देखने में थोड़ी अलग है। यदि इसका विस्तार रूप देखें तो इस चरण के बाद कुछ पद आपस में कटकर केवल x घाते 3 y घाते 3 z घाते 3 ऋण 3xyz ही बचता है, और यह हमारी सर्व समीका 8 है। अगर आप ध्यान दें तो हमने दाहिने पक्ष को विस्तार करके बाएं पक्ष के बराबर किया है। आप इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बहुपद के अध्ययन में हम सर्व समीका का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह सर्व समीकाएं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तथा गुणनफल प्राप्त करने में मदद करती हैं, और इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के सत्र में हमने क्या सीखा? हमने बीजीय सर्व समीकाओं के बारे में अध्ययन किया, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।